वेलकम टू सिनेब्रिटी टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट अब आपके मोबाइल पर। स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्रैक। अब क्या होगा आगे, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अनुपमा में दर्शकों को धमाकेदार ट्रैक देखने को मिलेगा और अनुपमा वनराज को धीरे धीरे समझने लगा है और उसकी बातें भी सुनने लगा है। इधर समर नंदिनी के लिए स्पेशल प्लान बनाता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। काव्य नया प्लान बना रही है ताकि वनराज पूरी तरह से अनुपमा और अपनी फैमिली से दूर हो जाए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज और अनुपमा वापस आते हैं। और इधर घर पर नंदिनी और समर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए समर उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाकर देता है। वही एक अनजान इंसान से काव्या बेहद परेशान हो जाती है और वनराज को फोन करती है, लेकिन वनराज का फोन बंद होता है। समर और नंदिनी साथ में डांस करते हैं और समर उसे रिंग भी देता है। समर उसे अंगूठी देकर हमेशा साथ रहने के लिए कहता है। दोनों थोड़ा क्लोज होते हैं और उसी समय वहां पर वनराज और अनुपमा आ जाते हैं। वनराज दोनों को ऐसे में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। समर वनराज से कहता है कि आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे प्यार की तौहीन आप नहीं कर सकते। वनराज कहता है कि तुम मुझसे जुबान नहीं लड़ा सकते, एक थप्पड़ दूंगा तो सारे आटे और दाल का भाव तुम्हें पता चल जाएगा। अनुपमा वनराज को काफी समझाती है। अनुपमा वनराज को भी सवाल करेगी कि काव्या का इस रिश्ते में क्या फर्क पड़ता है। तब वनराज कहेगा कि वो इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेगा। और फिर अनुपमा नंदिनी को घर जाने के लिए कहेगी। अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा समर और नंदिनी से मिलेगी और उन्हें कहेगी कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मैं तुम दोनों का प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगी। अब काव्या के घर पर होगी फिर से उसी आदमी की एंट्री जो उस पर नजर रख रहा है। अब क्या करेगी काव्या, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। अब क्या होगा आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा से जुड़ी और भी ताजा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।